एक और रेजिस्टेंस बैंड का खेल बाहर। अब ये भाई क्या कर रहा है देखते हैं जरा। हाँ, डोंट फॉरगेट टू स्ट्रेच। अरे भाई क्या कर क्या रहे ये। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, दिस इज जीत सलाल। आप सभी लोगों का स्वागत है जीत सलाल एस्थेटिक्स के एक और रिएक्शन वीडियो में। आई नो कि आप लोग बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे इसका, मैं भी इंतजार कर रहा था। कुछ अच्छे फुटेजेस मिक्स करने में, अरेंज करने में टीम को काफ़ी वक्त लग गया, बट फिर से हम वापस आए हैं रिएक्शन वीडियो को लेके। और ख़ास बात इन रिएक्शन वीडियो की जो रहती है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, उसके साथ साथ कुछ फन एलिमेंट और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिएक्शन वीडियो को। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं या ये वीडियो पसंद आता है तो डेफिनेटली लाइक बटन को जरूर क्लिक करना और सब्सक्राइब करने की जरूर सोचना। चलो भाई, मैं अब रुका नहीं जा रहा मुझसे। अच्छा, इस रिएक्शन वीडियो का नाम तो दे देते हैं, रिएक्शन वीडियो क्या बोले, रुको। ओके, तो इस रिएक्शन वीडियो का नाम है रिएक्शन वीडियोस का धमाका। पहला ही वीडियो देखते ही मुझे लग रहा है कोई मीम बनाया हुआ है। व्हेन समवन सेज मैगी इज गुड फॉर बॉडी बिल्डिंग, ले जीत सलाल। चेक करते हैं, स्टार्ट। ओए Alright, second clip. Let's start. Okay, weightlifting. अच्छा, squat किए जा रहे हैं। Squat करते हुए उठ रही लड़की। ओह, ओए बाप रे। ये बंदी के साथ क्या हुआ बताता हूँ। बेल्ट में बारबेल जो अटक गया, मतलब ये हो सकता है किसी के साथ भी हो सकता है। No mistakes in the form. Dead squatting में कोई problem नहीं थी, but वो बार को रोल ओवर करते हुए वो बेल्ट में फंस गया। किसी के साथ भी हो सकता है, ध्यान रखना। बार थोड़ा सा ना पुश करके पीछे की तरफ फेंकना, इंजरी होने के चांसेस आपके वहां पे कम हो जाएंगे। ऑल राइट, नेक्स्ट मीम इज व्हेन यू हैव गॉट अ डेडलिफ्ट एट 5 बट अ डेड एट 5:30। भाई साहब सूट पहन के आए हैं। सही है, सही है। सूट पहना है लेकिन नीचे से जूते पूरे पावर लिफ्टिंग वाले पहने हुए हैं। बिल्कुल गुड गुड गुड, लिफ्टिंग शूज। मतलब देख के लग रहा है ये प्रॉपर लिफ्टर है भाई अपना। नाइस, गुड वन, गुड वन। लेट्स गो टू द डेट। गुड वन, गुड वन। ओके, ये आए हैं हमारे कौन, क्रॉसफिटर्स। वाह, क्रॉसफिटर्स को देखते ही मतलब खुशी सी होने लगती है मुझे। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अरे वाह, अरे वाह भाई, पुलअप्स, झूला झूला झूलो। ओए, और राइट, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपको बताता हूँ। ब्लैक फ्राइडे की सेल आने वाली है जल्दी माई प्रोटीन की, तो कीप एन आई ऑन द वेबसाइट। और जब भी सेल आएगी तो उसका पूरा फायदा उठाना। यूज माई कोड वर्कआउट एंड गेट मैक्सिमम डिस्काउंट्स। और राइट, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को वापस। ओके, नेक्स्ट अप। अच्छा, स्पाइडरमैन ना, स्पाइडरमैन। ओए 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 भाई, ओए क्या कर रहा है ये। अच्छा, ओके ओके, नाइस। फंस गया, फंस गया, फंस गया, फंस गया, फंस गया। उतरे, अटक गया, अटक गया था भाई, अटक गया था। That's what she said. बच गया, बच गया भाई। ऐसा मत क्या करो यार ये सब। ओके, घर पे वर्कआउट कर रही है डंबल से। ओ, नहीं होना था, नहीं होना था, लेकिन हो गया। जो मैं हमेशा कहता हूँ, ये रेजिस्टेंस बैंड के साथ मत खेला करो घर पे भाई। ऐसे इतनी गंदी गंदी लगती है ना ऐसे चोटें। अच्छा, ओके ओके, हाँ भाई, ये पावर लिफ्टर बेंच प्रेस लगा रहा है। क्या यार, ये बिल्ली टाइप की क्या बना दिया इसने अपनी बॉडी को। इतना भयंकर तो मेरा सिम्बा भी नहीं कर पाता है। ओए 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 ओए, रेंज ऑफ मोशन के नाम पे बहुत ही धब्बा। मतलब इतना उठाया है इसने, इतना करते क्यों यार इसे। मतलब पॉइंट मिल जाता है क्या इसमें। एक और रेजिस्टेंस बैंड का खेल बाहर। अब ये भाई क्या कर रहा है देखते हैं जरा। हाँ, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। अरे यार, डोंट फॉरगेट टू स्ट्रेच। अरे भाई क्या कर क्या रहे ये। ओए ओ भाई, भाई क्या फुटेज डाल रखी है तुमने। थैंक्स, लव यू। ये योगा था कि ये क्या था, मतलब ये वापस से देखो उसको। ओए 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 ओए, भाई डेंजरस। ओके, नेक्स्ट अप, जिमनास्ट। जिमनास्ट है भाई, बढ़िया। ओ ओ ओ, इसका बाइसेप टेयर हो गया, बाइसेप टेयर हो गया। ओ माय गुडनेस,
जिमनास्ट के साथ होता है, क्योंकि पूरा का पूरा जो प्रेशर है वो बाइसेप का जो यू नो मसल है आपका, जो लॉन्ग शॉर्ट हेड पूरा का पूरा, वो लोड उसी पे होता है सारा का सारा. और विच इज दिस इज अ वेरी कॉमन, दैट्स वाई यू सी ऑल द जिमनास्ट दे हैव रियली नाइस बाइसेप मसल, क्योंकि वो पुलिंग और यू नो अपनी बॉडी को होल्ड करने के लिए इस मसल का बहुत इस्तेमाल करते हैं. ओके हाँ, ये कौन सा गेम है? बो एंड एरो. दीदी दीदी दूसरों के लिए जो खड्डा खोदता है वो खुद ही उसमें गिरता है. रिलेट हुआ नहीं, पता नहीं. हाँ, मॉल में जाके यार टेबल पे मत कूदा करो. एक और जंपर भाई, गलत जगह लग गई इसकी गलत जगह लग गई है. इतना पारिवारिक माहौल है ना. आगे आने वाली पुश्तें जो हैं बहुत डिफिकल्टी में आ जाए, मतलब होंगी कि नहीं होंगी, मतलब डाउट है भाई. मत क्या करो यार, ऐसा मत क्या करो. ओके, नो पेन नो गेन. शाबाश शाबाश अंकल जी. वो भाई डेडिकेशन, सल्यूट टू द डेडिकेशन. कोशिश करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, ठीक है? चाहे आप कहीं से भी शुरुआत कर रहे हो, चाहे आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो या माइनस से स्टार्ट कर रहे हो, शुरुआत करना ज़रूरी है. एक और पुलअप. हाँ, पुलअप कर रहा है ये, और ये भाई उसको पीछे से पुश कर रहा है ताकि उसको खड़ा कर सके. लेकिन ये क्या किया? ओ, 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 मशीन फेंक दी साले पागल. अबे साले क्या पागल हो गए भाई, इनको निकालो जिम से. ये तो मतलब जिम वालों को बर्बाद कर देंगे ये तो. हाउ नॉट टू वर्क आउट. यस, अभी तक सब ठीक है. ओए 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 भाई, इसने सोचा भी नहीं होगा कि इसको जबरदस्ती योगा करना पड़ेगा आज. शाबाश. अरे मुझे लगा ये डंबल से स्ट्रक्स करने वाला है. ये क्या कर रहा है? पूरा मूड खराब कर दिया तू. कर क्या रहा है भाई? ये क्या है? गर्दन की एक्सरसाइज. अच्छा था, अच्छा था. ओके नेक्स्ट अप. हाँ, ये भाई क्या कर रहा है? अच्छा, ओके ओके. टी बार रोज कर रहा है बट इसके पास अटैचमेंट नहीं है, तो ये भाई ने पीछे वेट लगाया हुआ है. पता ही गंदी फीलिंग आ रही है मुझे, इसके लगेगी गलत जगह पे 100%. तुम्हें कैसे पता चला? ओए, तो गया गया तीन. मेरे तो एल लग गए, मतलब हो गया, कई साल हो गए, एक्सपीरियंस हो गया वर्कआउट करते करते. और मतलब देखा है मैंने ऐसे लोगों के साथ होते हुए. अच्छा. और अ सीरियस नोट, अगर आपको टी बार रोज करने हैं तो जो पीछे वाला जो रॉड का, मतलब जो रॉड होती है ना, बारबेल होता है, उसको सही जगह पे लगाना जहाँ से वो निकल ना सके. क्योंकि व्हेन यू गो हैवी, वो पीछे से अगर रॉड खुल गई, बारबेल निकल गया, तो आपके ऐसे एल लग सकते हैं, मतलब लग सकती है, बात गंदी. समझ रहे हो? बच गया, ज़्यादा ज़ोर से नहीं लगी. जिंदा है, मतलब जिंदा है. नहीं नहीं, थोड़ी देर पर बैठा बैठा थोड़ी. हाँ, एक और. नहीं नहीं, ये कैलिस्थेनिक्स वाला भाई है, सही कर रहा है. उफ, बेकार है भैया बेचारा. अच्छा किया बट मुंह के बल गिर गया. कोई बात नहीं, होता है प्रैक्टिस के टाइम पे, करते समय होता है. हाँ हाँ, ये भाई क्या कर रहा है? ओ उतर, ओ पागल, तू पागल है क्या? अबे तू पागल मार साड़. घर पे एक्सरसाइज करनी होती है लेकिन नुकसान नहीं करना होता है, घर वाले निकाल देंगे बाहर. ओके, नेक्स्ट अप इज डेडलिफ्ट. कन्वेंशनल डेडलिफ्ट्स, सही जा रहा है. बैक बहुत रोल हो गई है. क्या क्या, क्या? ओ ओ ओ शॉट स्कूल गए. अच्छा अच्छा, हो सकता है क्योंकि बार रोल हो जाता ना वो, नॉर्मल. बट लिफ्ट वाज गुड. ओके हाँ, अब ये कौन उदास इंसान है भाई? तोड़नी है क्या मशीनें सारी की सारी आज? मतलब मैं अगर ऐसा कोई इंसान देख लूं अपने जिम में तो मैं तो निकाल दूं ऐसे इंसान को. ये सब क्या है? शर्म करो, भगवान से डरो. ये क्या है मतलब? कौन से बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज हो रही है? जमीन को तोड़ना थोड़ी है हमने. चली, मैं चली,
प्यार की गली सही। फन होना बहुत जरूरी है, देखो एक्सरसाइज करने जाओ जिम, लेकिन फन में फन होना भी बहुत जरूरी है। हाँ ये वाला, ये क्या है? ओ हाँ यार, ये खासतौर पे ओल्डर लेडीज के साथ ये प्रॉब्लम होता है, उनको पता नहीं चलता बटन कौन सा दबाना है स्टॉप करने के लिए। एनीवे हाँ भाई, ये क्यों करते हैं ये सब यार, वो बॉल को लेके क्यों जा क्यों रहे हो तुम ट्रेडमिल में? दिमाग देखो, फट गई बॉल, फटी, मशीन तोड़ दी इसने। निकल यहां से, निकल। कमाल करते हो पांडे जी आप, वेट फॉर इट। ओह सही कर रहे हैं, अरे सही कर रहे हैं। ओ गई, ओए सर उड़ा दिया लड़की को यार, बाप रे। भाई पहले अभी ये जो है ये स्क्वाट लगाने जा रहा है, पहले अपने क्वाड्स को निहारा इसने, हैमस्ट्रिंग क्वाड्स को। ओके लेट्स गो, लेकिन वेट कितना है? तीन पेट है, दो पेट है? कमेंट करके बताओ जरा। ओ बैठ गया, ओ मर गया मर गया मर गया मर गया। तीन प्लेट लगा रहा था पागल, 140। ये क्या भाई, कहाँ जाना होता है ऐसे? ये है अपना कैलेस, बेचारे की कोई गलती नहीं भाई, इक्विपमेंट छोड़ो। अरे तेरी भाई, ये इंडिया वाले कहते हैं हमको प्यार से, इंडिया वाले मत किया करो यार, ऐसा क्या है, क्या ये क्या बना क्या रखा है इसको यार? इसका पैर वैर ना टूटे यार, ओ इसका पैर ना वैर ना टूटे, या कुछ इंजरी ना हो जाए स्पाइन में, डर लग रहा मुझे देख के ही। ओ भाई, वन टू, रेंज ऑफ मोशन के नाम पे बहुत ही दब्बा। ओहो क्या कर रहा है, जॉइंट्स को ट्रेन कर रहा है क्या ये? दस बस दस, ताली बजा रहे हो। वाह क्या सिरिंज पोछे लगाया सर आपने, वाह वाह वाह। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, क्या लोगे यार ये? भाई मत किया करो ये सब, कुछ नहीं होता है, सिर्फ ईगो सेटिस्फाई होता है और चार लोग तारीफ करते हैं भाई क्या काम किया आपने, नथिंग हैपेंस, कोई स्ट्रेंथ नहीं बन रही आपकी, ना कोई मसल डेवलप हो रहा है, जस्ट यू सेटिस्फाइंग योर ईगो। इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इससे, क्या? हाँ अगर आपकी कैपेसिटी है इतनी, जब आप बहुत ज़्यादा लोड ले सकते हो तो फुल रेंज ऑफ मोशन में तो जाओ, आपका मसल एक्टिवेट ही नहीं हो रहा है इतना, ये मोशन हो रहा है। प्लीज़ अंकल जी क्या करके, अरे पेट क्यों हिला रहे हो इतना? मशीन तोड़ के जाएगा भाई आज। Alright, so that's it for today. ये थे सारे रिएक्शन के वीडियोस. आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को इस तरह के वीडियोस और देखने हैं तो डेफिनेटली नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आप लोगों के पास इस तरीके के इंटरेस्टिंग क्लिप हैं तो मैं नीचे एक ईमेल एड्रेस डाल रहा हूँ, वहाँ पे इन इंटरेस्टिंग क्लिप्स को आप भेजो जिसमें आप मुझसे रिएक्ट करवाना चाहते हो, या फिर किसी इंजरी के बारे में आप जानना चाहते हो, तो डेफिनेटली वो वीडियो आप मुझे शेयर कर सकते हैं इस ईमेल एड्रेस पे। ऑलराइट, सो आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, जीत सलाल, बाय बाय।